up. हमने हमारे घर में एक सांप पकड़ा, बताओ। हाँ, मैंने उसे संदूक में बंद करके रखा है, वो तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, मैं भी तो देखूं कौन सा सांप पकड़ा है तुम दोनों ने। अरे राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे एमएम, बड़ी माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल के बीच अपने एक्सोटिक फोटो शूट के लिए। कुछ काम है तो बताना। काम नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। संदूक में सांप है? कहाँ है सांप? संदूक तो खाली है। कसम से ना, लोग नींद में चलते हैं, लेकिन तुम दोनों को तो नींद में चीजें दिखाई देती है। अरे यही तो मैंने खुद अपने हाथों से संदूक में रखा था उसको। अच्छा, कहाँ है? संदूक तो खाली है। तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि इस घर में मैं रहती हूँ, और मेरे होते हुए ना यहाँ कोई सांप पाप नहीं आ सकता। सांप तो आया था बड़ी माँ, और इसी संदूक में था, पर मैंने संदूक खोल दिया, उसे जाने का मौका दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता और वो सांप आपको डस देता तो? नहीं नहीं, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। थैंक गॉड, आज तो मैं दुश्मनों के हाथ लगते लगते रह गई, इतनी बड़ी मुश्किल से बच गई। ये आर्यन अक्का को लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चल प्रगति, चल। गाइस गाइस गाइस, ये रात भी है, सात भी है, और बाहर आग अंदर आग, तो फिर ये इंतजार कैसा भाई? ढूंढ उसे, थोड़ा होश में तो आने दे, थोड़ा स्ट्रगल करने दे, थोड़ी चीख पुकार होगी, भाग दौड़ होगी, फिर आएगा ना मजा जंगल में मंगल करने का। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों? अरे 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 हे शिवा, वो लोग आका को लेकर कहाँ गए होंगे? हे शिवा, अब मेरे पास तो संपूर्ण नागिन की शक्तियां भी नहीं है, वरना मैं अपनी आंखें बंद करके अक्का कहाँ है वो पता कर लेती। बापी अपनी तीसरी आंख से मुझे कोई संकेत दीजिए कि अक्का कहाँ है। ये गाड़ी के पहियों के निशान, वे तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वो लोग अक्का को जंगल की तरफ लेके गए हैं। भाग बसंती भाग, जंगल में कहाँ तक भागोगी? चल 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 चल। सुनो मिस, दे दो एक किस। Help, help, help. Help! ये तो अक्का की आवाज है, पर कहाँ है अक्का? कहाँ से आ रही आवाज? कोई है? Ha 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 ha!
तुम सब इतने सारे हैं और एक लड़की को यहाँ जंगल में लाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो, ये एक पाप है और तुम सब हमारी धरती पर एक श्राप हो। तुम लोगों ने जो गुनाह किया है ना, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। भागो, ये तो नागिन है, भागो इससे। किस रावण को मार गिराऊं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? राम, कृष्ण देव, महादेव यहां धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए वो अपने फरिश्ते को भेजते हैं, अपने दूत को, अपनी नागिन। My God, इस मॉडर्न टाइम में भी नागिन होती है। I can't believe that. मैं वीडियो बना लेता हूँ, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी और मैं फेमस। नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो, जाने दो हमें प्लीज, माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब ये लड़की तुम लोगों को जाने के लिए कह रही थी तो तुमने इसे जाने दिया? नहीं ना, तो अब जैसा किया है वैसा भरो, तुम लोग जीने के लायक नहीं हो, अब मरो। जीते जी दफन होने के तड़प से तड़पो, तब तुम्हें समझ आएगा कि डर क्या होता है। अब डरो। तुम कहां भाग रहे हो? तुम भी इन सब के पापों में शामिल हो, इन सब के पापों में भागीदार हो, तो अब अपने दुर्भाग्य को भुगतो। नहीं नहीं, I'm so sorry, I'm sorry, मुझे एक बार जाने दो प्लीज, अगली बार से ऐसा नहीं होगा प्लीज। तुम्हें जाने दिया तो पता नहीं और कितनी लड़कियों को ऐसे बर्बाद करोगे, उससे अच्छा तो यही है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। मुझे छोड़ दो। अब मैंने तुम्हें डस लिया है और मेरा जहर तुम पर चढ़ गया है, अब यह जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैलेगा और जिन हाथों से तुमने ये पाप किया है ना, और जिन पैरों से इस पाप के रास्ते पर चले हो, तुम्हारा अपना शरीर अब तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम होकर भी नहीं होगे, बस एक जिंदा लाश की तरह तड़पोगे। पहले मैं तुम्हें तड़पाऊंगी, उसके बाद मारूंगी। अक्का, अक्का आप ठीक तो है ना? अक्का, अक्का प्रकृति, अक्का, अक्का आप रो मत, आप डरो मत। वो लड़के जो आपको यहाँ ले आए थे, जो आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। अब वो आपको तो क्या किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे।
तूने तूने उन्हें सजा दे दी मतलब? हाँ वो मेरा मतलब मैंने उनको पुलिस की धमकी दी तो वो सब डर गए और भाग गए। पर आप उनको छोड़ो ना, आप उठो मेरे साथ घर चलो। ऑटो ऑटो। लगता है मेरा फोन वहां जंगल में ही रह गया। अक्का मेरा फोन वहां जंगल में ही गिर गया। ओके तो फिर से जंगल में जाएगी? पहले भी तो अकेले ही गई थी ना, आप टेंशन मत लो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप देखना मैं यू गई और अपना फोन लेके यू वापस आई। संभाल के जाना। हाँ जल्दी वापस आना। हाँ। यही कहीं गिरा होगा मेरा फोन, यही तो आई थी मैं। वो रहा। ये रोमांटिक गाना यहाँ जंगल में? Put your hand here. Okay. रियाना, ये फोटोशूट की जरूरत थी क्या? Of course जरूरत थी। I mean, I understand के pre-wedding फोटोशूट, पर ये तो pre-engagement फोटोशूट है। तुम्हें ये जंगली मिला फोटोशूट के लिए? वो भी आधी रात को। कितना सुमसान है और डेंजरस है। I know, but you know ना, my to be hubby, my baby, that मुझे नेचर से कितना प्यार है। I just love jungle, and jungle are my favorite. So jungle से बेटर लोकेशन और कोई हो ही नहीं सकती थी। Oh, I just got an idea. Hey, Robbie, Robbie, wait, wait. हमारी जो next photo होगी ना, you remember मैंने कुछ fireflies लाए थे? इसका मतलब है जुगनू। Yes. Okay, जुगनू, fireflies, same thing. वो ना हमारे आसपास इसे उड़ा देना। You know, superb pictures आएगी। Let's do that, okay? Okay. Titanic, Titanic pose, yeah. कहती है जंगल से प्यार है, और देखो इतना loud music करके सबको परेशान कर रही है। ये... कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। Smile. Oh. तो इस रईस बाप के बिगड़े बेटे की पार्टी चल रही है यहाँ जंगल में। सच में ये रईस लोग भी ना घर तो घर कुदरत को भी नहीं छोड़ते। नहीं 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 नहीं, गोलियां 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 मत चलाओ, गोलियां मत चलाओ। अरे पार्टी पॉपर्स है, नहीं गोलियां है, गोलियां मत चलाओ, गोलियां मत चलाओ। अरे पार्टी पॉपर्स गोलियां मत चलाओ। ये इसे क्या हो गया? देख के लग रहा है जैसे इसे पुराना कुछ याद आ गया हो जो उसे हॉन्ट कर रहा हो। राघव मत चलाओ गोलियां। ये राघव को क्या हुआ? प्रार्थना प्रार्थना भागो यहाँ से, प्रार्थना प्रार्थना भागो, प्रार्थना भागो भागो, तुम्हारी जान खतरे में, प्रार्थना भागो, प्रार्थना। तुम्हारा शेषनाग इस धरती पर जन्म ले चुका है प्रकृति। प्रार्थना राखो, प्रार्थना राखो। प्रार्थना प्रार्थना जाओ यहां से, प्रार्थना भागो, प्रार्थना।
भाई तुम यहाँ और मैं इस तरह तुम्हारी बाहों में इस पोज में, कहीं तुम मुझे डोज वोज तो नहीं दे रही थी ना, हमारे बीच कहीं कुची कुची तो नहीं हुआ ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो मैं बस यहाँ थी, यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो तो बस आ गए। राघव आ गई कबाब में हड्डी। वो तो गेट अप, उठो। ओ तो वो शाउटिंग के मुझे गोली लग गई सारा ड्रामा इस लड़की के लिए था, तुम इसके साथ टाइम पास कर रहे थे? नहीं बेब्स, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो इसने किया। एक्चुअली इसने भी कुछ नहीं किया। लुक, तुम जो भी हो, व्हाटएवर योर नेम इज, आई डोंट केयर, बट मेरे राघव से दूर रहो, समझी? आई एम वार्निंग यू, मेरे होने वाले पति से चिपकना बंद करो। वो मैं, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि राघव ही रघु है, तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। प्रगति जी, बताइए मेरी होने वाली बीवी को आप, क्या आप मुझसे चिपक क्यों रही थी? रघु को ये छिछुरा राघव ही मिला था पुनर्जन्म लेने के लिए, कोई अच्छा लड़का बन के नहीं आ सकता था वापस। हेलो, कहाँ खो गई? और मुझे बताओ तू आधी रात को जंगल में क्या कर रही थी? जंगल में आना तुम्हारी हॉबी है क्या, खड़े खड़े गायब हो जाना? तुम इंसान ही हो ना, कुछ और तो नहीं ना? कम ऑन राघव, तुम भी किससे बात कर रहे हो, वैसे भी ये कुछ बोलती नहीं है। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द फोटो शूट, कम बाय। प्रगति, तुझे पता लगाना होगा क्या ये राघव ही तेरा रघु है। हे तुलसी माँ, उस औरत की आत्मा को शांति और मुक्ति देना जो 21 साल पहले हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से चली गई। प्रगति सुन, आज जो भी हुआ उसका अम्मा अप्पा को मत बताना प्लीज, उन्हें बेकार में टेंशन हो जाएगी। लेकिन अक्का, इतनी बड़ी बात हो गई और मैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन में आ जाए मेरी वजह से, तू प्लीज मत बताना। जो भी हुआ हमने संभाल लिया ना, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? और हो जाता तो? जब तक तू मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, प्लीज ना मत बताना। क्या खुसुर पुसुर चल रही है दोनों के बीच में, हुँ? क्या छुपा रही हो? अरे क्या हुआ प्रगति बेटा, आज दिन भर तू कहाँ थी? हमको लगा तू अंदर पढ़ाई कर रही है। इसी के लिए नहीं गई ना तू इसके साथ? नहीं नहीं अम्मा, वो पहले मना कर रही थी पर फिर मेरे पास आ गई थी। अम्मा मैं चेंज करके आती हूँ। प्रगति, क्या हुआ है तुझे? तू कहती कुछ है, करती कुछ और है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना अजीब बिहेव कर रही है, हुआ क्या है बेटा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रही है? क्या मीना, तू अपनी बच्ची पर शक कर रही है? अरे अभी उसके घूमने फिरने का दिन है, करने दे लाइफ एंजॉय। बेटा तुझे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? अयो प्रार्थना, भागो, तुम्हारी जान खतरे में, प्रार्थना भागो। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बता दे, पाक के शादी करने से अच्छा अमन करा देंगे। क्या अप्पा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का ना? अच्छा अप्पा, मुझे बताइए, क्या आप वो आत्मा का रिश्ता, दिल का, जन्मों जन्मों का रिश्ता में मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। तो क्या आप मानते हो कि जो दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पर किसी वजह से बिछड़ जाते हैं, वो फिर से एक साथ आने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म? पुनर्जन्म? हाँ होता है ना, मेरा भी हुआ। पिछले जन्म में तेरे अप्पा एक बहुत बड़े राजमहल के छोटे से सेवक थे और मैं उस राजमहल की महारानी। हम दोनों मिले, मोहब्बत की, बगावत भी की, पर शादी नहीं हो पाई। तो इस जन्म में हम दोबारा मिले और वो जो पेंडिंग शादी थी ना, वो इस जन्म में कर ली, बस। सच्ची अप्पा? प्रगति पागल है क्या तू? एक जन्म तो इनको झेला नहीं जा सकता और तू दोबारा मिलने की बात करती है, नो इम्पॉसिबल। पर मैं तो इस सब में मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ कि पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानती हूँ कि
जो दो प्रेमी पिछले जन्म में बिछड़ जाते हैं वो अगले जन्म में मिलते हैं। अगर किसी का प्यार अधूरा रह जाता है तो वो अगले जन्म में पूरा हो जाता है। हाँ बेटा, ऐसा होता है, हमने किताबों में पढ़ा है। और पुरानी जगह ऐतिहासिक जगहों पर हम रिसर्च के लिए जाते थे ना, ऐसा प्रमाण मिला है। दो प्रेमी अकाल मौत मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं, वो फिर से साथ जीने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। दोनों आत्माओं का मिलन होता है क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन होता है। आयो मिस्टर अय्यर, बस करो, डोंट लिसन टू हिम। अरे वो वैसे ही आजकल कितनी अजीब अजीब सी बातें करती है, अजीब सी हरकतें कर रही है। ऊपर से आप ये सब उसके दिमाग में डालो कि कहीं वो कुछ। मीना, उसकी किस्मत में पिछले जन्म का प्यार मिलना है तो मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना तू ना मैं। रखो प्रार्थना, प्रार्थना जाओ यहाँ से। चलो, क्या उसको बोलते रहते हो? और मैं इस तरह? वो मैं बस यहाँ थी, यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो, तो बस आ गए। तुम्हारा शेषनाग इस धरती पर जन्म ले चुका है, उसकी पहचान, उसके शरीर पर उसकी मौत का निशान। मुझे तो अपना पिछला जन्म याद आ गया रखो, पर तुम भूल गए हो। पर बहुत जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म याद दिलाऊंगी और अपनी पिछली जिंदगी से इस जिंदगी में लाऊंगी। ये क्या हो गया मुझे बार बार प्रगति क्यों दिख रही है? मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। वो हादसा जो 21 साल पहले हुआ था, बस अब इंतजार का पल खत्म होने को है और वो वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए वक्त को भी रोक दिया था। ये महक मासी कहां से आ रही है? यहां तो कुछ भी नहीं है, तो यहां क्यों गई थी?
ये मुरझाया हुआ पुल किसने यहाँ रखा है? हदों की। ये महक मासी इस तरफ गई क्यों थी? वो ऐसे ही तो नहीं जा सकती। यहाँ कुछ तो होगा जरूर, पर क्या है? घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई है लगता है। मैं आपको बोलती हूँ कि कौन से प्रिपरेशंस अच्छे लगेंगे, और ये कैसे फ्लावर्स लगाए, कैसे डेकोरेशन किया आपने, ये सब कुछ हटवाइए। मैं आपको बोलती हूँ कि क्या करना है और कैसे। लेकिन महक मैम ने जैसा बताया था हमने तो वैसा ही किया है। अब मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगी अब वैसे वैसे ही करोगे। मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए उसे। स्वर्णा, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सब जो लगा हुआ है ना, ये राघव के पसंद का है, मैंने और कुछ नहीं किया है। और उसका फेवरेट कलर येलो नहीं ऑरेंज है। सुनो, जैसा सब कुछ है वैसा ही रहने दो, कुछ चेंज नहीं करना है। ओके मैम। तुमने जरूर उसे जन्म दिया होगा, लेकिन बचपन से लेकर अब तक पाला पोसा मैंने है। मैं उसकी पसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। महक, हाँ? आर्यन अपने फ्रेंड्स के साथ कल रात को जंगल ट्रिप पे गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है। सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। सारा बिग डील, आर्यन है वो, राघव नहीं है। हुज लविंग एंड केयरिंग, वो अपने मनमाने करता है, इधर उधर घूम रहा होगा। व्हाई वरीड? ट्राडी पुलिस को फोन करो, मिसिंग कंप्लेन लिखवाओ। आई कांट वेट एनीमोर। आंटी, आर्यन मिसिंग नहीं है, वो कल रात को मेरे साथ ही था, फुल ऑन पार्टी कर रहा था। सी, अब वो पूरे टाइम फोन पे रहता है तो उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो ही जाएगी ना, आ जाएगा। अच्छा सुनो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और आउटफिट का ऑर्डर मैंने दे दिया है, तुम्हें जाके आज ही उसकी ट्रायल करनी होगी। आई होप इट्स फूशिया पिंक। सांप? तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। आओ शेषनागिन, मिला तुम्हें तुम्हारा जोड़ीदार, तुम्हारा शेषनाग। हाँ, पर वो कोई और नहीं, राघव है। राघव ही रघु है, उसका चेहरा बदल गया, उसका नाम बदल गया, पर उसका दिल, उसकी आत्मा अब भी वही है। उसकी पीठ पर उस गोली का निशान जो उसे पिछले जन्म में मिला था। मुझे एहसास हो गया है कि राघव ही मेरा शेषनाग है। बस उलझन यही है कि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं, वो सब कुछ भूल गया है, मुझे भी भूल गया है। होता है, जब कोई पुनर्जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की यादें भूल जाता है। राघव भी भूल गया, अब तुम्हें ही उसे उसका पिछला जन्म याद दिलाना होगा। पर कैसे, वक्त बहुत कम है, उसकी शादी होने वाली है, आज तो उसकी सगाई है। तो फिर इस सगाई को रोको प्रगति, इस शादी को रोको और किसी भी तरह से उसे उसका पिछला जन्म याद दिलाओ। अगर एक बार उसका रिश्ता कहीं और जुड़ गया तो फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। आज से इतिहास की किताब का एक नया पन्ना खुलेगा, जिस पर लिखी जाएगी एक नई कहानी, और वो कहानी लिखेगी स्वयं शेषनागिन। अब से एक शेषनागिन एक शेषनाग को उसका पिछला जन्म याद दिलाएगी, उसे फिर से पाने के लिए शेषनाग और शेषनागिन के जोड़े को फिर से एक होना होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक ऐसा तूफान आएगा कि पूरे नागलोक का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। प्रगति, आज रात को राघव की सगाई है, उसकी सगाई के पहले मुझे पता लगाना होगा कि क्या सच में राघव ही रघु का पुनर्जन्म है। ये गाड़ी को अचानक क्या हो गया, चालू क्यों नहीं हो रही?
हे शिव जी, अब आगे का रास्ता आपको ही दिखाना है। मुझे राघव को याद दिलाना है कि वही रघु है और उसके लिए मुझे चाहिए उसकी बिन मौसम बरसात। हे भोलेनाथ, दीजिए मेरा साथ। अगर राघव को अपना पिछला जन्म याद दिलाना है तो सबसे पहले उसे याद दिलानी होगी हमारी सबसे पहली मुलाकात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेमौसम की बारिश? बारिश, ये बारिश में भीगी लड़की, ये मौसम, ये दृश्य, ये सब क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मौसम, ये दृश्य, ये एहसास मैंने जिया पहले? प्रार्थना, तुम प्रार्थना ही हो? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी साथी, तुम्हारी जीवन साथी। तुमने ये दृश्य पहले जिया है मेरे साथ, ये पल पहले भी जिया है मेरे साथ। क्यूड़ी भाई, तुम यहाँ कहाँ से? अरे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम वहाँ आ जाती हो। What's happening? राघव, हमारा साथ लिखा है कुछ पल का, कुछ सालों का, कुछ जिंदगियों का नहीं, पर जन्मों जन्मों का। जन्मों? अरे मुझे पता नहीं मैं कल क्या करने वाला हूँ और तुम जन्मों जन्मों की बात कर रही हो। क्या बोल रही हो तुम? हमारा रिश्ता है राघव। ये राघव किससे बात कर रहा है? कौन है लड़की? तुम राघव? क्यूटी भाई, राघव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं वो लड़की। अरे मैं वहां से क्रॉस कर रही थी, मैंने देखा तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम किसी से बात कर रहे थे, कौन थी वो? जादूगरनी, पता नहीं कहाँ से आके गायब हो जाती है। मॉम को बताया तो बेवजह टेंस्ट हो जाएगी। अब वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो उसने मेरी हेल्प की, छाता नहीं था मेरे पास इसलिए। चलो चलो चलते हैं। आओ भीग जाओगे, चलो। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राघव ही रखू है, पर ये राज दुश्मनों को कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो रघु को इस जन्म में भी मार देंगे। चाहे जैसे मुझे राघव की सगाई से पहले ही उसे उसका पिछला जन्म याद दिलाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का कॉल आया था, पता नहीं क्या न्यूज है, क्या हुआ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्रारी, आर्यन ठीक होगा ना? आओ। आर्यन, 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 क्या हुआ इसे? क्या हुआ मेरे बेटे को? ये इसकी हालत किसने की? ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये हमें जंगल में मिला था, बहुत खतरनाक जगह पे, और इसे किसी सांप ने काटा है। हमने हमारे घर में एक सांप पकड़ा, बताओ। हाँ, मैंने उसे संदूक में बंद करके रखा। आर्यन, हम इसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले गए थे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता है जिस सांप ने इसे काटा है वो कुछ ज्यादा ही जहरीला था।
ओके बैंक इंस्पेक्टर, आप जा सकते हो। ओके मैम। महक, ऐसे कैसे किसी सांप ने राघव पे वार कर दिया? कोई नाग नागिन तो नहीं थे ना? ये जहरीला सांप है कौन? अशिता ने भी बोला था कि उसने घर में एक सांप देखा था। राघव के ऊपर भी किसी सांप ने अटैक किया था। सब लोगों ने उस सांप को देखा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। महक, हमारे आसपास सांप घूम रहे हैं, एक एक करके सब पर अटैक कर रहे हैं। तुम बात को समझ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। ये वही घर है जहाँ पे राघव प्रार्थना उनकी बेटियाँ उनकी समाधि बनी हुई है। तुम इस बात को कैसे भूल सकती? Shut up! इना, आज तुमने उन लोगों का नाम ले लिया ना, आज के बाद उनका नाम मत लेना मेरे सामने। चलो चलो, प्रेपरेशंस शुरू करो। और तुम, तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन चाहिए? जाओ प्रेपरेशंस करो। महक, मेरे बेटे की ये हालत है और तुम्हें अभी भी प्रेपरेशंस की पड़ी है? मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग का ये जो सिचुएशन है ना, इसका राघव की एंगेजमेंट पे असर पड़े। खून ले रही हूँ क्योंकि इस खून में उस सांप का जहर है और उस जहर से मुझे पता लग जाएगा कि वो सांप है कौन जिसने आर्यन को काटा है और जो मेरे पूरे फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। आज पूर्णमासी की रात है, आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि ये सांप है कौन। इशिता, डोंट वरी, तुम्हारा बेटा आर्यन ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डोंट बी एंग्री विद मी। हाँ, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में हो तो तुम्हें पोस्टपोन कर देती, पर इनविटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं। देयर इज नथिंग आई कैन डू। आज हमें खुश होने का ड्रामा करना पड़ेगा। रिहाना की फैमिली आ गई। आई, देयर शी इज। चलो चलते हैं। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। रिंग सेरेमनी शुरू करते सब लोग आगे हैं ना? राघव कहाँ पे है? वो नहीं दिख रहा। राघव यहाँ है। मैं पापा को लेकर आए। ये एंगेजमेंट पापा के बिना कैसे हो सकती है? चलो ना भाई, ना भाई चलिए, चलो ना। राघव भी आ गया। चलो अब सब लोग आ गए, रिंग सेरेमनी शुरू करें। चलिए आइए। एक मिनट। बिफोर वी स्टार्ट द रिंग सेरेमनी, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। चलिए पापा। राघव, आर यू ऑल राइट? तू खुश है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू शादी से खुश नहीं है? जब किसी की शादी होती है ना, बहुत खुश होता है, पर मुझे वो दिख नहीं रहा है तुझमें। तुझे पता है, जब तेरे पापा की और मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं हवा में उड़ रही थी, प्यार की हवा में। तेरे पापा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कहती हूँ, जिससे प्यार करो शादी उसी से करो।
नहीं नहीं, ये तो राघव की सगाई होने जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। नागराज तक्षक ने मुझे कहा था कि अगर राघव का रिश्ता किसी और के साथ जुड़ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा, वो भी अभी। लाइट को क्या हुआ, ऑफ कैसे हो गई? लगता है फ्यूज गया होगा। लो आ गई लाइट। थैंक गॉड। राघव कहाँ पे? अभी तो यहीं पे था। तो यही था। राघव कहाँ चला गया? You know what? I have been observing. कुछ दिनों से राघव बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। बहुत बदल गया है वो। कहीं वो एंगेजमेंट से भाग तो नहीं गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं। वो मुझे सब कुछ बताता है। आप लोग जरा वेट कीजिए, मैं चेक करके आती हूँ किधर है। हाँ? ये क्या है? ये कहाँ में आ गया? मैं तो अपनी एंगेजमेंट में था, फिर यहाँ मुझे कौन लेकर आया? मैं लाई।